लगभग 150 किलोमीटर तक उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। NH1 पर फायरिंग चल रहा था। तो हमारा पहली लड़ाई शुरू, इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीरगति को प्राप्त। वहां पर 13 जम्मू कश्मीर एफएस के कैप्टन विक्रम बत्रा एक नारा लगाते हैं, ए दिल मांगे मोर। पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल में। आपको पूरा डीप में ना यहाँ की स्टोरी बताएंगे कि मेरे इस तरफ पाकिस्तान आर्मी थी, इस तरफ इंडियन आर्मी थी। कारगिल इंडिया पाकिस्तान के वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस MiG-21 ने निभाया। इसकी लहराने की वजह है ना हमारी इंडियन आर्मी, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसा। ये पाकिस्तान आर्मी के बंकर और पूरे ये वाला पीक, ये टाइगर हिल है, इसको विक्रम बत्रा हिल बोलते थे, यहीं पे उनकी शहादत हुई थी। सो गाइस वेलकम बैक। इस टाइम अभी हम कारगिल में, कल रात को हम कारगिल पहुंचे थे और कारगिल आते हमें पता लगा कि यहाँ पे गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में हम रात को रुक गए थे। ये छोटा सा गुरुद्वारा है यहाँ पे कारगिल के अंदर गलियों में, तो इस गुरुद्वारे में रुकने का हमें कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ा, लेकिन खाना पीना हमने खुद कुक किया क्योंकि छोटा सा गुरुद्वारा है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दराज के लिए और आज हम लोग आपको लेके चलेंगे दराज में, कारगिल वॉर मेमोरियल में, और आसपास की कोई अच्छी सी लोकेशंस होंगी अनसीन और सीन, वो आप आपको दिखाएंगे। तो ये भैया कारगिल की गलियां हैं, इन्हीं गलियों में कल रात को हमने अपनी रात बिताई है। ऐसे कुछ घर हैं यहाँ पे, ठीक है। कारगिल वही जगह जो कि फेमस है इंडिया पाकिस्तान के वॉर के लिए। और हाँ, ये कुछ लोकल से बात हो रही थी यहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि उस टाइम की वॉर का असर यहाँ पे भी हुआ था, मतलब जब वॉर हो रहा था तो गोला वोला यहाँ पे भी आके गिर जाते थे मार्केट में ऊपर की तरफ को। तो चलो भी निकलते हैं, गेट्स वगैरह पहन लिए और रेडी हो गए। और आज यार नहाए धोए भी नहीं है, कल परसों नहाए थे, कल भी नहाए, आज भी नहाए। और अभी ना कारगिल में अभी मुहर्रम का उत्सव चल रहा है, मतलब 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और आज तीसरा दिन है। तो कारगिल की गलियों में आजकल बहुत भीड़ भाड़ है। हेलो नासरीन, ना नासरीन, नासरीन नाम है, यास्मीन, यास्मीन क्या, यास्मीन फातिमा, मुतर्रिर, क्या बात है यार, नाइस टू मीट यू मुतर्रिर। कारगिल की गलियों में आपका फिर से एक स्वागत है। और इसे हम आप कारगिल में देखोगे ना, सारे भाई लोग आपको काले कपड़ों में दिखाई देंगे क्योंकि इनका चल रहा है फेस्टिवल। जो इनके दीन थे, इनके जो गुरु थे, उनकी मौत हुई थी साथ आज के दिनों में कुछ ऐसा, तो ये लोग शोक मनाते हैं। पूरे कारगिल शहर में ना आपको ऐसी रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर के फ्लैग्स लगे हुए दिखाई देंगे। ये जो हमारे बगल में रिवर देख रहे हो ना, इसको सुरु रिवर बोलते हैं। ये कारगिल का मेन बाजार है, पूरा काला काला हो रखा भाई। ये आवाज़ें सुन रहे हो आप, ये मुहर्रम मनाई जा रही है यहाँ पे। तो भाई अभी ना हम दराज की तरफ जा रहे थे तो मेरे को ना एक संगम दिखाई दिया। मेरे को वैसे पता नहीं कौन सी नदी का संगम है, ये वाली तो बता मुझे, सुरू नदी है जो कि जंस्कार से आ रही है और ये पाकिस्तान की तरफ जाती है, लेकिन एक नदी वहाँ पे भी है उस तरफ, ये पता नहीं कहाँ से आ रही। अभी ना हम दराज पहुँचे नहीं है, दराज लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। तो बीच में ना बड़े खूबसूरत खूबसूरत गांव आ रहे हैं, तो लास्ट टाइम तो हम ऐसे ही निकल गए थे, तो मैंने सोचा इस बार आपको दिखाते हुए चलता हूँ। तो अभी हम सुरू वैली में, दराज सुरू वैली में ही पड़ता है। तो ये जो पीछे आप रिवर देख रहे हो ना, ये इस तरफ जो रिवर जा रही है सुरू रिवर है, ये पूरी वैली में ये रिवर होते हुए जाती है। और ये गांव है ना, इस गांव का नाम चोगियाल है, और इससे पहले एक गांव पड़ा था भीम बट करके गांव पड़ा था। और ये देखो नीचे कितना खूबसूरत है ये गांव। और यहाँ पे आपको दिखेगा ना, सारी सब लोगों की छतों पे ना टीन पड़ी हुई है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी पड़ती है और दराज को ना कोल्ड डिजर्ट भी बोला जाता है। दराज को वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट कोल्ड प्लेस बोला जाता है, लेकिन अभी नहीं, सर्दियों में, सर्दियों के टाइम यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है और पिघलती नहीं है। तो भाई हम दराज पहुँच गए और यहाँ से 500 मीटर आगे कारगिल वॉर मेमोरियल है। वो देखो हमारा झंडा क्या शान से लहरा रहा है। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। पहुँच गए कारगिल वॉर मेमोरियल में, मेरे जस्ट पीछे ना कारगिल वॉर मेमोरियल है। और यहाँ पे आके ना हमने कुछ लोकल्स लोगों से बात करी, तो कारगिल की ना बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हमें पता लगी, वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ना पहले अंदर जाते हैं, अंदर से और स्टोरी निकाल के लाते हैं और कहानियाँ पूछ के लाएंगे लोगों से और आर्मी वाले से, जैसे पता लगे उसके बाद ना हम आपको पूरा डीप में ना यहाँ की स्टोरी बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था,
ये जगह ना बिल्कुल फ्रंट थी, मतलब यहाँ पे ही ना इस मेरे इस तरफ पाकिस्तान आर्मी थी, इस तरफ इंडियन आर्मी थी, और यहाँ से बैटल हुआ था, बहुत तगड़ा बैटल हुआ था। क्या हुआ था, कैसे वॉर स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक जंग गई थी, और कैसे कैसे हमारी इंडियन आर्मी ने इस जंग पे विजय प्राप्त की थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। कारगिल वॉर मेमोरियल में हमने अंदर एंट्री कर लिया, और अगर आप अंदर एंट्री करें तो 50-50 रुपीज़ कैमरे के चार्ज करते हैं, और बहुत खूबसूरत सा अंदर से बना हुआ है। पूरा हिस्ट्री हम आपको भी बताएंगे थोड़ा सा धीरे करके। उससे पहले ना थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं इस वॉर मेमोरियल का, इस कारगिल वॉर का। और उसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे ना एक मूवी चल रही है अंदर, उसमें पूरी स्टोरी पता लगेगी इस वॉर की, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, और किसका पल्ला भाई था, और क्या क्या हुआ। और इस वॉर मेमोरियल में काफ़ी सारी निशानियां हैं वॉर की, तो वो भी हम आपको भी दिखाएंगे एक एक करके। तो अब जब यहाँ पे आओगे ना कारगिल वॉर मेमोरियल में, तो ये डॉक्यूमेंट्री भी देखना, इस डॉक्यूमेंट्री के बाद ना आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वॉर के बारे में, इस मेमोरियल के बारे में, और जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये MiG-21 एरोप्लेन दिखाई देगा, और ये एरोप्लेन ना कारगिल इंडिया पाकिस्तान के वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस MiG-21 ने निभाया, और ये पार्ट था जो हमारे यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था ना। आपको पता होगा यार, कारगिल का जो वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तान ऊपर की तरफ था और इंडियन आर्मी नीचे की तरफ थी। उसकी वजह से हो क्या रहा था ना कि इंडियन आर्मी आगे नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स नहीं होता है तो कारगिल वॉर हम कभी नहीं जीत पाते। कारगिल वॉर का जो बैकबोन थी ना हमारी इंडियन आर्मी की, वो एयरफोर्स थी, और उसी एयरफोर्स का ये MiG-21 प्लेन है। इसी प्लेन ने ना सामने की जो आप रेंज देख रहे हो ना, इसे टोलो लिंग बोलते हैं। इस टोलो लिंग पे हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 से हमारी दुश्मन पे बमबारी की थी, जिसकी वजह से दुश्मन पीछे हटा था, और जिसकी वजह से हम लोग युद्ध जीतने में सफल हुए थे। तो जो हमारी एयरफोर्स थी ना, एयरफोर्स की जो बटालियन थी उसको गोल्डन एरोस बोलते हैं, जो लड़ रही थी यहाँ पे इस फ्रंट में, जो लड़ रही थी गोल्डन एरोस, तो जो उनके लीडर थे ना वो अजय आहूजा थे, जो ना एयरफोर्स को उस टाइम लीड कर रहे थे, और उनकी ना यहाँ पे उनको शहादत भी यहाँ पे हो गई थी। तो ये था कुछ इस प्लेन का स्टोरी। बाकी अंदर चल रहे हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, और आगे चल रहे हो। यहाँ पे एक सैनिक भी हैं, सोल्जर्स इंडियन आर्मी के, जो हमको यहाँ की पूरी स्टोरी भी बताएंगे। और ये कुछ ऐसी दिखती है, ये जगह देख रहे हो, पूरे चारों तरफ से पहाड़ी हैं, और बीच में ये छोटी सी जगह है। इस जगह पे पहले गांव हुआ करती थी, जब वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तो इस जगह से सारे गांव वालों को हटा दिया गया था। तो जो हमारे पीछे देख रहे हो ना, हमारा इंडियन फ्लैग कितनी शान से लहरा रहा है, और इसकी लहराने की वजह ना हमारी इंडियन आर्मी, अगर हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन एयरफोर्स नहीं होती ना, तो हो सकता है कि ये वाला एरिया पाकिस्तान के अंडर में होता, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ तो घुस ही आया था। और इस एरिया में ना, इसी भूमि में पाकिस्तान के बंकर भी हैं, और ये जो पीछे वाला एरिया आप देख रहे हो, पीछे वाला आप एरिया देख रहे हो ना, जिसमें ये आपको टावर लगे दिख रहे हैं ना, ये जो टावर, वायर के टावर हैं, यहाँ तक पाकिस्तान आर्मी आ गई थी। और स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान आर्मी आई थी ना, तो जब यहाँ से फायरिंग स्टार्ट हुई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट निकला था कि भाई ये कश्मीरी उग्रवादी हैं, ये हमारे सोल्जर्स नहीं हैं। तो इंडियन आर्मी को स्टार्टिंग तक ये लगता रहा कि ये कोई उग्रवादी हैं जिन्होंने घुसपैठे हैं, जिन्होंने हमला किया हमारी आर्मी पे। लेकिन हमारे एक मेजर थे सौरभ कालिया, तो जब पता लगाना यहाँ पे घुसपैठिया आए हुए, तो सौरभ कालिया ना पीछे वाली जो पीक दिख रही ना आपको, उस वाली पीक से नीचे की तरफ को आ रहे थे देखने के लिए कि ये कौन लोग हैं, ये घुसपैठिए हैं कि ये कौन है। तो जब उनको पता लगा कि भाई ये तो घुसपैठिए नहीं है, ये मतलब आतंक उग्रवादी नहीं है, कश्मीर उग्रवादी नहीं है, ये तो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। तो जो सौरभ कालिया थे ना, तो उनकी यहाँ पे ना पाकिस्तानी आर्मी से लड़ते हुए उनकी शहादत हो गई। सबसे पहले सौरभ कालिया शहीद हुए थे इसी जगह पे, इसी टोलो लिंग में। उसके बाद उनकी जो टुकड़ी थी वो आई थी, 40 लोग थे उनकी टुकड़ी में, सारे लोग शहीद हो गए थे। तो जो पहली टुकड़ी गई थी ना इस टोलो लिंग में, वो पूरी शहीद हो गई थी। फिर उसके बाद एक दूसरी टुकड़ी गई थी, वो शहीद हो गई थी। फिर तीसरी टुकड़ी जब आई थी ना, तो उनको पता लगा कि भाई ये कोई उग्रवादी नहीं है, ये तो पूरा एक आर्मी आके बैठा हुआ है हमारी कंट्री, जिन्होंने हमारी LOC क्रॉस करके हमारे इंडिया में 9 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे। मतलब जो आप टोलो लिंग देख रहे हो ना,
टोलो लिंक के उस तरफ मतलब 7 किलोमीटर पीछे की तरफ को ना पाकिस्तान है, इस तरफ तो पाकिस्तान नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सिपाही जीवन है। मैं आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये वॉर मेमोरियल नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियाँ नजर आती है जिन पर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। अब जिस रास्ते से आया है उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम टोलोलिंग। टोलोलिंग पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। आपका मतलब आपका पीछे वहाँ पर एक ट्राइंगल शेप पीक नजर आएगा, टाइगर हिल। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल के बाएं एक दूसरी निकली चोटी है राइनोहॉर्न, उसी रिजलैंड पर और एक ऊंचा टॉप है 0.48 सनसाई को हम बत्रो टॉप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था, उसका मुताबिक विंटर का टाइम पर हमारा और पाकिस्तानी सोल्जर्स अपना पोस्टों को विड्रॉ करके नीचे आ जाना था। लेकिन 98 के विंटर में हमारा सोल्जर्स तो नीचे उतर तो चुके थे, लेकिन उनका वहाँ पर एक मशको वैली है, वहाँ से लेकर सदर्न ग्लेशियर तक लगभग 150 किलोमीटर तक उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। उनका मेन मुद्दा यह था कि NH1 को कैप्चर करना, इसलिए लगातार यहाँ पर NH1 पर फायरिंग चल रहा था। तो हमारा पहली लड़ाई शुरू हुई टोलोलिंग से। टोलोलिंग पर को कैप्चर करने के लिए भारतीय सेना के 3 बटालियंस को टास्क दिया गया था, 18 ग्रेडियर्स, 2 राजपूत राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स। तीनों बटालियन ने मिलकर फिर से टोलोलिंग फर्ट को रिकैप्चर कर लिए। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। टोलोलिंग फर्ट को कैप्चर करने के बाद भारतीय सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल पर गया। टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेडियर्स और 8 सिख को दिया गया था। दोनों ही बटालियन ने 2 जुलाई 1999 से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला किया और दुश्मन को मुंह तोड़ दिया। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 2 ऑफिसर, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान 18 ग्रेडियर बटालियन के ग्रेडियर योगेंद्र सिंह यादव को जिंदा ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हीं के बटालियन के मतलब उन्हीं के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया था। ऑपरेशन विजय इस द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सबसेक्टर हनीफ में भी जारी रहा। इसका पीछे एक फीचर है 0.5140, इसको कैप्चर करने के लिए 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और 2 नगर को टास्क मिलता है। इसमें 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के पूरा ट्रूप से मिलकर बिना कुछ कैजुअलिटी से उस फीचर को रिकैप्चर कर लेता है। वहाँ पर 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा एक नारा लगाते हैं, ए दिल मांगे मोर। उसके बाद उनको 0.4875 को कैप्चर करने का टास्क मिलता है। इसमें 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 17 जाट और 2 नगा तीनों बटालियन ने मिलकर 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये लड़ाई जारी रहता है। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें उनके बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी जिंदा ही परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इस पूरे कारगिल युद्ध में अपने भारतीय सेना के कुल 559 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 1536 जवान घायल हुए। अब जिस रास्ते से आया है इसको विजय पथ का नाम दिया हुआ है। विजय पथ का दाहिने ओर बाएं टोटल 8 बस्ट है। इसमें 2 परमवीर चक्र और 6 महावीर चक्र जिन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जो ब्रेव हार्ट्स है उनका यहाँ पर स्टैचूस बनकर रखा है। और MiG-21 टोलिंग की लड़ाई के दौरान स्क्वाडन लीडर अजयोजन इस्तेमाल किया था। ये कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से और फायरिंग की वजह से क्रैश लैंड पाकिस्तान की तरफ हो गया था। यहाँ पर 100 बफर्स को इकट्ठा रख के यहाँ पर टोलिंग और 0.5140 के ऊपर लगातार फायरिंग में शामिल किया गया। इसके वजह से यहाँ पर गन हिल करके उसका नाम दिया हुआ। और आपका पूरा भाई वीरभूमि 1947 से लेकर अभी तक इस लोकेशन के अंदर जितने भी जवान शहीद हुए ये नॉन ऑफ कैजुअलिटी है, बैटल कैजुअलिटी का नहीं है। कारगिल युद्ध के अलावा जो पहाड़ियों में स्लिप होकर विंटर के टाइम पर नीचे गिर के जो कैजुअलिटी हो जाता है, नहीं तो पुराना माइंस वगैरह ब्लास्ट होकर, नहीं जो अवलांच की वजह से जो कैजुअलिटी वगैरह हो जाता है उनका वहाँ पर स्मारक बनाकर रखा है। टोटल 391 स्मारक है। आखिर में जो है वो जोजिला पास का एक मेमोरियल है, मतलब जोजिला डे विंटर का टाइम पर वहाँ पर मनाना मुश्किल है तो यहाँ पर बना के रखा है जोजिला डे वगैरह, इधर ही सेलिब्रेशन है। और आपका सामने जो ज्योति जल रहा है अमर जीवन ज्योति के नाम से जाना जाता है। तब से वॉर मेमोरियल बना है अमर जीवन ज्योति प्रज्वलित है। अमर जीवन ज्योति के पीछे एक पीतल का बोर्ड है, अभी बारिश की वजह से इसको बंद करके रखा है, जिसमें कारगिल युद्ध में जितने भी जवान शहीद हुए उनका नाम वहाँ पर अंकित करके रखा है। टोटल 33 ऑफिसर, 23 GCO, 501 अदर रैंक और 2 सिविलियंस। और उसका पीछे 19 फ्लैग होस्ट किया गया है। वो 8 माउंटेन ड्यू के अंदर अभी जितने भी प्रेजेंट बटालियन सर्विस कर रहे हैं उस सारे बटालियंस को फ्लैग को वहाँ पर होस्ट करके रखा है। नेशनल फ्लैग 2012 में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये इस तरफ अमर ज्योति जवान है, जो हमारा झंडा लहरा रहा है ना, हमारा झंडा लगा हुआ है हमारे झंडे के बिल्कुल बगल में ना, जो जितने भी लोग ना 1947 से आज तक
कारगिल सेक्टर में शहीद हुए हैं ना, उनकी सबकी मेमोरी में यहाँ पे मेमोरियल बना हुआ है। और उस तरफ आप मेरे पीछे देखे ना, वो जोजिला पास में जो लोग, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी मेमोरी में वहाँ पे वो मेमोरियल बना हुआ है। और ऐसा कुछ है, बाकी अभी ना यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए मैं भी आपको लेके चल रहा हूँ ना, जो पाकिस्तानी बंकर्स थे और जो इक्विपमेंट थे हमारी इंडियन आर्मी ने, मतलब पाकिस्तान आर्मी से लड़ते टाइम जो यूज़ किए थे ना, वो सारे मैं एक करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो हट बना हुआ है, हट ऑफ रिमेम्बरेंस, तो इस हट में ना जितने भी हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे, जितने भी हमारे ऑफिसर शहीद हुए थे, उनकी मेमोरी में उनके डिटेल, उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी जितने पाकिस्तान आर्मी के वेपन कैप्चर हुए थे वो अंदर लिखे हुए, जैसे पाकिस्तान आर्मी के जो वेपन कैप्चर हुए थे, जो उनके लेटर्स मिले थे, पर्सनल लेटर, उनकी डायरी वगैरह, वो वहाँ पे रखी हुई है। और इस तरफ आओगे ना, पैक हाजर्ड इसको बोलते हैं, और ऐसी पैक हाजर्ड ना, ये अभी तो इसका मुँह इस तरफ है, लेकिन इसका मुँह ना इस तरफ था, टोल लिंक की तरफ, क्योंकि जो दुश्मन था ना वो टोल लिंक पर बैठा हुआ था और टोल लिंक से ना हम पे वार कर रहा था। और टोल लिंक थोड़ा ऊपर पड़ता है, हमारा आर्मी थोड़ा नीचे था, और ये जो एरिया है ना वो इंडियन आर्मी का था, वो हमारा एरिया था। इससे 9 किलोमीटर पीछे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अपना LOC को क्रॉस करके हमारे एरिया में, हमारे भारत में 9 किलोमीटर अंदर आ गया था। तो वैसे उस टाइम पे ना, जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था, जब स्टार्टिंग में जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो टोलो लिंक से हुआ था। टोलो लिंक में आके कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स आके बैठ गए थे, स्टार्टिंग में इंडियन आर्मी को ऐसा लगा कि वो कोई उग्रवादी हैं जो कि अपने किसी पर्सनल उसके लिए अटैक कर रहे हैं इंडियन आर्मी पे। उस टाइम पे यहाँ पे इंडियन आर्मी पोस्टेड नहीं थी, यहाँ पे बस एक उस तरफ ना एक CO साहब की चौकी थी, ठीक है, और सोल्जर्स नहीं थे, कोई बटालियन तैनात नहीं थी, और जो CO थे ना उनकी यहाँ पे चौकी थी, लेकिन रहते वो मेन दरास मार्केट में थे। गन बोलूँ उसको, तोप बोलूँ, तोप देख रहे हो ना, ऐसी काफ़ी सारी तोप यहाँ पे पॉइंट की गई थी, मतलब दुश्मन की तरफ को, है ना, और इसमें से लाखों आर्टिलरी फायर की गई थी। चलो यार, आपको ना एक जगह वहाँ पे लेके चलते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी का ना बंकर्स थे उस टाइम पे ना, आयरन के बंकर्स यूज़ करते थे वो लोग, तो वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं दो, कैप्चर करके ना पाकिस्तान आर्मी से, वो ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो वाइट वाइट से, ये पाकिस्तान आर्मी के बंकर हैं, पूरे लोहे के बने हुए हैं, बुलेट प्रूफ। उस टाइम पे ऐसे बंकर वो लोग यूज़ कर रहे थे। ये वाला बंकर आप जो देख रहे हो ना, ये बत्रा टॉप से कैप्चर किया गया था। बत्रा टॉप वही टॉप है जो टाइगर हिल के बगल में, और इसी टॉप पे ना विक्रम बत्रा जी को शहादत मिली थी, विक्रम बत्रा जी शहीद हुए थे, उस टॉप से ये कैप्चर किया था। पाकिस्तान सोल्जर्स पे छुप के बैठे रहते थे और अंदर से फायरिंग किया करते थे, और ये देखने में तो पूरा लोहे का लग रहा है, टच हम कर नहीं सकते इसको। और एक बंकर ये है, और ये कहाँ से, ये भी टाइगर हिल से कैप्चर किया गया था। और सीज फायर हुआ था तब पाकिस्तान सेना पीछे गई थी, सीज फायर बिल क्लिंटन ने करवाया था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के बीच में ना US था, जिसने इस वॉर को रुकवाने में काफ़ी हेल्प करी थी। इस फ्रंट से तो पाकिस्तान सेना पीछे चली गई थी, लेकिन ऐसे कई सारे फ्रंट खुले हुए थे जहाँ पे पाकिस्तान सेना फिर भी लड़ रही थी इंडियन आर्मी से। कई हिडन प्लेसेस से ना फायर कर रही थी इंडियन आर्मी पे, और इंडियन आर्मी को पता नहीं था कि वो कहाँ कहाँ से फायर कर रही। ऐसी एक लोकेशन थी टाइगर हिल, जहाँ पे हमें नहीं पता था कि दुश्मन बैठा हुआ है, और वो ना एक ऐसी जगह जहाँ से पूरा NH1 नेशनल हाईवे 1 पूरा कैप्चर होता है उस टाइगर हिल से। तो उसकी लोकेशन ना हमें दी थी इज़राइल ने हमें बताया था कि वहाँ पे पाकिस्तान के सैनिक बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें पता लगा तो हमारी सेना ने वहाँ के लिए मार्च किया। तो जो विक्रम बत्रा था ना, विक्रम बत्रा ने ये जो टोलो लिंग है ना वो कैप्चर की थी, उसके बाद उनको बोला गया कि आपको टाइगर हिल कैप्चर करना है। ये वाला पीक, ये टाइगर हिल है, ठीक है, और ये वाला जो पीक है ना ये बत्रा हिल है, इसको विक्रम बत्रा हिल बोलते हैं, यहीं पे उनकी शहादत हुई थी। तो भाई ये कारगिल वॉर मेमोरियल का विजिट यार काफी अच्छा रहा, सेकंड टाइम में आया हूँ। फर्स्ट टाइम जब आया था ना तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो उस दिन कारगिल वॉर मेमोरियल बंद था। कारगिल वॉर मेमोरियल आने के बाद हमें काफी सारी स्टोरीज पता लगी, काफी सारे फैक्ट्स पता लगे इस वॉर के, कारगिल वॉर मेमोरियल के बारे में, और किस तरीके से ये वॉर स्टार्ट हुई थी, कैसे हमारे हमने ये जंग लड़ी, किसने हमारा साथ दिया, किसने हमें धोखा दिया, वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में पता लगी होंगी। तो अगर आप भी लद्दाख ट्रिप में आ रहे हो ना, तो कारगिल वॉर मेमोरियल मिस मत करना है, क्योंकि हमारे देश की अखंडता में कारगिल वॉर मेमोरियल का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये वॉर नहीं होता ना, तो हमें ये नहीं पता लगता कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, क्योंकि इज़राइल ने ना हमारा बहुत सपोर्ट किया था, रशिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया था इस वॉर में। जो पाकिस्तान सोल्जर्स की लोकेशन थी ना, वो इज़राइल ने हमें निकाल कर दी थी, अमेरिका ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए। तो चलो इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट खूबसूरत से व्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अपने भाई का चैनल कुमक इंडियंस। बाय बाय।